आपने नील का वाक्य सुना है, दूसरा वाक्य सुना रहा हूं मैं आप। ए दरिया, हम रसूल पाक के गुलाम हैं, हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हमारे खलीफा हजरत उमर फारूक है। हम अल्लाह के नाम की बुलंदी के लिए जा रहे हैं, रसूल पाक के गुलाम है और हजरत उमर फारूक हमारे खलीफा हैं, रास्ता दे। पानी कम हो गया, सुभान अल्लाह, और इतना कम हो गया कि घोड़ों की टापों की आवाजें दरिया में आने लगे, जबकि दरिया की शोरिश थी, घोड़ों के टापों की आवाजें दरिया पार कर लिया। और मजे की बात सुनाऊंगा मैं आप, जब दरिया पार हो गई तो एक सहाबी के पास पानी का कटोरा था, वो दरिया में गिर गया, किधर चले गया नहीं मालूम। उन्होंने पलट के देखा, मेरा कटोरा नहीं, रोने लगे। सिपे सारा बोले रो रहे कि दूसरा कटोरा दिला दे, तो चलो पार तो हो गया ना। तो बोले नहीं नहीं मेरे को वही कटोरा होना। अरे अरे दरिया में कहाँ गया, हो गया, मैं दूसरा कटोरा आपको दिलवा देता हूँ। तो उन्होंने कहा वो कटोरा दूसरा तो मैं भी ले ले सकता हूँ, लेकिन वो कटोरा मामूली कटोरा नहीं है, वो कटोरा सरकार ने मुझे अता फरमाया। ये लोगों तबर्रुक का कैसा ख्याल था सहाबा इकराम। अरे भाई आप लोगों को बातें नहीं मालूम है, इस वजह से आओ अफजलगंज की मस्जिद में, आओ करबला के वाकया सुनो, आओ इमाम हुसैन की शान और मर्तबा सुनो, तो अंदाजा होगा ये जो आपको भटका रहे लोग, ये जो काले कपड़े पहनने वाले, काले दिल रखने वाले, ये सुले कुल्ली उनसे मिलने वाले आपको क्या दीन बताएंगे। दीन मिलता है तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान और मर्तबा बयान करने से दीन हासिल होता है। तो उन्होंने रोने लगे, उन्होंने बोले वही कठोरा होना मेरे को सरकार ने अता फरमाया था, सरकार उससे दूध और पानी पीते थे, मुझे दिया था। तो जैसे वो कमांडर सुने अब कुछ नहीं बोले, उन्होंने फिर दरिया से खिताब करके कहा, ए दरिया हमारे नबी का कठोरा तुम्हारे अंदर आ चुका है, तुम बाहर ला दो उसको। थोड़ी देर में मौज आई, सरकार का कठोरा मौजूद हो गया। ये हुकूमत है सैयदना उमर फारूक की, बादलों में उनकी हुकूमत है, दरिया में उनकी हुकूमत है, जमीन पर उनकी हुकूमत है, आग पर उनकी हुकूमत है। और इस तरह आपने अमन और सुकून फैलाया, आपकी हुकूमत में गैर मुस्लिम भी इतने अमन से रहते थे कि जितनी मुसलमान अमन से रहते थे। आज तुम मोबिन मान करके और तुम मजहब बदलो, हजरत उमर फारूक के दौर में लोग बोले हम मजहब बदलते हैं, हजरत उमर फारूक ने क्यों बदलते हैं, क्यों बदलना चाहते। अगर खौफ और डर से तुम मजहब बदलोगे तो हम ऐसा मजहब कबूल नहीं करते, क्योंकि फिर जब कोई कुव्वत आ जाएंगी तुम बदल के मुर्तद हो जाओगे। दिल की गहराई से अगर कबूल करते हैं तो तुम इस्लाम कबूल करो। हजरत उमर ने किसी को जबरदस्ती मुसलमान नहीं बनाया, हजरत उमर फारूक ने जबरदस्ती किसी से नहीं की। और आज तुमको सड़ी हुकूमत मिल रही है तो मामली मामली बच्चों को पकड़ के मार के उनको कत्ल कर रहे हैं। अरे तुमको अगर अमन और सलामती चाहिए तो हजरत उमर फारूक के खदमों को पकड़ लो, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के खदमों को पकड़ लो, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के खदमों को पकड़ लो, मौला अली के खदमों को पकड़ लो, इमाम हुसैन अलैहि सलाम के खदमों को पकड़ लो, तुम्हें भी सुकून मिलेगा, तुम्हारे खानदान को सारी दुनिया को सुकून अता हो जाए। यही है भाई हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की शान और मर्तबा तो बहुत बड़ी है। अल्लाह हमको ये मौका दिया, यहाँ तबर्रुक भी है अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत उमर फारूक की शान देखिए, हर कोई इनके लिए तबर्रुक लेकर आ गया। अल्लाह जो जो भी तबर्रुक लेके आए हैं अल्लाह उनको हमेशा पहले सुन्नत जमात की मिठास में रखे, सुन्नी रखे। और ये बात मेरी सुन लीजिए भाई, ये कोई सख्त पखत नहीं है, ये हजरत उमर का तरीक़ा है। बराबर हम बातिल फिरकों को जवाब देते रहेंगे, देते रहेंगे और अपने अकीदे की हिफाजत करते रहेंगे। यही है आज एक को मुहर्रम है, 10 मुहर्रम तक जलसा होगा। आज का पहला जलसा जामा मस्जिद नाना बाग बशीर बाग में मुनक्किद होगा बाद नमाज ईशा। कल का जलसा हाशम नगर में है, पोस्टर देख लीजिए। 9 मुहर्रम का जलसा जैन फंक्शन हॉल अंदरून तालाब कट्टे में, जो हमारा मरकजी जलसा है। और 10 मुहर्रम को इस मस्जिद जामा मस्जिद अफजल जो में पहला मरकज अहले सुन्नत है, इसमें जलसा मरकजी होगा। दुआए आशूरा पढ़ाई जाएगी, कसीर तादाद में हर जलसे में शिरकत करके अपने अकीदों को बचा लीजिए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।